दोस्तों कुछ ऐसे सवाल हैं जो पैदा होने के सातवें सेकंड के बाद से ही हर हिंदुस्तानी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और वो रात को बोनवीटा वाले दूध में पार्ले जी का बिस्कुट डुबाकर सोचता है कि इंग्लैंड की महारानी का पड़पोता हमें कोहिनूर कब लौटाएगा। सुबह शीशे में साइड मांग निकालते वक्त वो खुद से पूछता है कि सलमान भाई शादी कब करें। आधी रात सुसु करने उठता है तो सुसु से ज्यादा इस बात के प्रेशर में डूब जाता है कि दाऊद इब्राहिम भारत कब आएगा। और यही आदमी शाम को ऑफिस के सामने पनवाड़ी के पास खड़ा बीड़ी पी रहा होता है तो बीड़ी के उड़ते हुए धुएं में इस सवाल में डूब जाता है कि क्या 2024 में मोदी को कोई हरा सकता है या नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूं, और हरा सकता है तो कौन हरा सकता है? क्या वो राहुल बाबा होंगे या बाबा सहगल, केजरीवाल होंगे या टोनी कक्कड़, बहन मायावती होंगी या कपड़ों की मां बहन करने वाली बहन उर्फी जावेद। सवाल कई हैं, मगर बेरोजगार आशिक के प्रपोजल पर सोचकर बताऊंगी ये बोलने वाली प्रेमिका की तरह इसका जवाब भी अब तक नहीं मिला है। तो फनतंत्र के आज के इस वीडियो में हम बीड़ी के धुएं के बीच तैरते इसी सवाल के गुमशुदा जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा लोग बजाओ ताली और जगह करो खाली, क्योंकि आपके सामने आ रहे हैं कई सारे दावेदार। ये वीडियो में आपको उतना ही मजा आने वाला है जितना अपने पड़ोसी के लड़के के फेल होने की खबर सुनकर आता है। तो पसंद आए वीडियो तो और भी लोगों तक इसे जरूर फैलाएं, शेयर जरूर करें दबा के। शुरू करें वीडियो। हेलो, तो करना। तो ये थी भूमिका, अब आते हैं सीधा राजमा चावला पर। दोस्तों 2024 के चुनाव में साल भर बाकी है। यूं तो बहुत सारे पहलवान अपने अपने अखाड़ों में खड़े होकर मोदी को ललकार रहे हैं, चिघाड़ रहे हैं, मगर इनमें सबसे आगे हैं परम पूजनीय, नित्य कॉमेडनीय, सदा हसोड़नीय पैदल यात्री श्री राहुल गांधी जी। जोरदार तालियां। दोस्तों पिछले दिनों कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ जी ने कुतुब मीनार पर चढ़कर ऐलान किया कि राहुल गांधी ही कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा करके अपनी पीएम उम्मीदवारी का माहौल बना ही चुके थे। और यह भी सच है कि गधे की सींग की तरह भले ही कांग्रेस पार्टी देश से गायब होती जा रही है, नेताओं के IQ की तरह उनकी सीटों का ग्राफ भी लगातार नीचे जाता जा रहा है, बावजूद इसके वो आज भी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। इस नाते राहुल जी की दावेदारी बनती भी है, मगर सच ये भी है कि देश में खुद को मनवाना तो दूर, राहुल बाबा तो कांग्रेस में भी अपना लोहा पीतल तांबा और एल्यूमिनियम कुछ भी नहीं मनवा पाए। अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर गुलाम नबी आजाद तक न जाने कितने ही नेता उनके रहते पार्टी छोड़कर उनको अनफ्रेंड कर चुके हैं। उनकी इतनी समझाइश के बावजूद सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी 3 साल से लठमार होली खेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बघेल और सिंहदेव जी के कलेश की वेब सीरीज अपने 4th सीजन में एंटर कर चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में हुए चुनाव में पार्टी का सुपड़ा डाबर लाल दंत मंजन लगाने वाले राजू के दांतों की तरह साफ हो गया है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भी दिया तो हर कोई छोटी बहन की शादी में जाने की बात बोलकर उनसे किनारा कर गया। ममता दीदी और अखिलेश यादव जी ने पहले ही साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ किसी गठबंधन में शामिल होना तो दूर, वो कांग्रेस के साथ किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल नहीं होंगे। टेंट हाउस के अलावा कोई भी सर्वे अकेले कांग्रेस को 100 सीटें तक देने को तैयार नहीं है। ऐसे में एक ही सूरत में वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि अगर पेटीएम के किसी स्क्रैच कार्ड को रगड़ने पर उसमें से प्रधानमंत्री का पद निकल आए तो। और इसकी इतनी ही संभावना है जितनी हॉस्टल की कैंटीन के मटर पनीर में पनीर निकलने की। तो आपने घबराना नहीं है। अब पीएम पद की बात चली है तो बता दूं प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था कि हम हमारे युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर जितना ध्यान देंगे उतना ही हम अपने यूथ को काबिल बनाएंगे। और आपको बता दूं कोडिंग इन्वेडर्स वो प्लेटफॉर्म है जो आपकी टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाकर आपको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव बनाता है। कोडिंग इन्वेडर्स आपको मौका देता है 6 से 8 महीनों के अंदर डेटा एनालिस्ट के एक हाई पेइंग IT प्रोफेशन में आने का, जिसका बेस्ट पार्ट है गारंटीड जॉब अग्रीमेंट। Amazon, Philips जैसी बड़ी कंपनियों के एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है इस कोर्स को। मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको कोडिंग बैकग्राउंड से होने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसमें 300 प्लस हायरिंग पार्टनर्स के साथ अभी तक 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को 10 से 25 लाख पर एनम की जॉब मिल चुकी है। सो कोडिंग इन्वेडर्स का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, उस पर क्लिक करके जल्दी से आप रजिस्टर करो, कोर्स ज्वाइन करो, बढ़िया जॉब मिले तो भाई को पार्टी में बुलाओ, वीडियो पे आ गया। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएम पद के अगले दावेदार की। राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री पद के दूसरे उम्मीदवार हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी भी उस वक्त से पीएम पद के उम्मीदवार हैं जब लॉर्ड माउंटबेटन इंग्लैंड जाने के लिए सराय काले खान से यूपी रोडवेज की बस में भी नहीं बैठे थे। केजरीवाल जी ने 2013 का विधानसभा चुनाव जब जीता तो लोग कहने लगे कि वो अगले पीएम हो सकते हैं। 2014 में वो खुद भी चुनाव हारे और उनकी पार्टी के ज्यादातर सदस्यों की जमानत भी जब्त हो गई। दिल्ली में उनकी पार्टी सभी 7 सीटों पर हार गई। 2015 में वो विधानसभा चुनाव जीते तो फिर से कुछ लोगों को उनमें
धुंधला धुंधला पीएम दिखने लगा। 2019 चुनाव में उनके पीएम पद का सपना सिर्फ 271 सीटों से दूर रह गया और पूरी पार्टी में सिर्फ एक भगवंत मान जी ही थे जो एक सीट जीत पाए। जिस दिल्ली में उनकी सरकार थी वहां की 7 सीटों पर उन्हें लिज्जत पापड़ से भी करारी हार झेलनी पड़ी, जिसमें से 3 लोकसभा सीटों पर तो उनके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव से बड़ी उम्मीदें थी, मगर उसके नतीजे मेरी 10वीं के नतीजों से भी गए गुजरे निकले। बेशक पंजाब विधानसभा चुनाव जीतकर केजरीवाल जी ने अपना कद बढ़ाया है, राष्ट्रीय स्तर पर उनका क्रेज भी बढ़ा है, मगर दिल्ली में रहने के बावजूद अभी उनके लिए दिल्ली बहुत दूर है। वैसे हेलो, हमारा सब्सक्राइब वाला बटन आपसे ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं। एक पार्टी या नेता जिसने पिछले कुछ चुनाव में नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी है वो है ममता देवी। 2019 लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने बंगाल में 20 से ज्यादा सीटें जीती तो लोगों को लगने लगा था कि बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनाव में दीदी को चुनाव हराकर संन्यास आश्रम में भेज देगी, मगर जिस तरह वंडर वुमन ममता दीदी ने अकेले दम पर बीजेपी को चुनाव में हराया उसने कई लोगों की बोलती बंद कर, बहुत सारे लोग उनमें भी देश का फ्यूचर पीएम देखते हैं। मगर दिक्कत है कि ममता दी को बंगाल के बाहर उतने ही लोग जानते हैं जितने लोग चैनी खैनी को अमेरिका में जानते हैं और जितने लोग साइकिल अगरबत्ती को यूरोप में। बंगाल में 42 सीटों में से भी अगर वो 30 भी सीटें जीत लाएं तो भी इतनी सीटें लाने पर बाकी पार्टियां उनकी लीडरशिप कबूल नहीं करेंगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ टीएमसी समझौता करेगी नहीं और बिना कांग्रेस और बिना बीजेपी के बने किसी तीसरे मोर्चे के अपने दम पर सत्ता में आने की संभावना उतनी ही है जितनी किम जोंग उन को शांति का नोबेल मिलने की। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति के सरदार खान नीतीश कुमार जी की राजनीति का एक ही मकसद है, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी। पिछले साल जब उन्होंने बिहार में बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा तभी ये क्लियर हो गया था कि ऐसा करके वो खुद को भावी प्रधानमंत्रियों की मंडी में उपलब्ध करवाना चाहते हैं। भले ही नीतीश बाबू प्यार में पड़ी कन्या की तरह अपनी फीलिंग्स को कितना ही छिपाएं, प्रधानमंत्री बनोगे इस बात पर कितना ही लजा जाएं, मगर हर किसी को पता है कि आज भी वो खाली वक्त में स्केच लेकर खाली दीवारों पर नीतीश लव्स पीएम पोस्ट की ही ड्राइंग करते हैं। मगर इसमें भी दिक्कत यह है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव जेडीयू अक्सर गठबंधन में ही चुनाव लड़ती रही है। 2014 में वो अकेले 38 सीटों पर लड़ी थी तो उनके खाते में सिर्फ 2 सीटें आई। इस बार भी नीतीश तेजस्वी यादव की आरजेडी के साथ गठबंधन में है, उन्हें लड़ने के लिए 15 सीटों से ज्यादा मिलने वाली नहीं। अगर वो ये सभी जीत भी गए, जिसकी उतनी ही संभावना है जितनी पाकिस्तान की वर्ल्ड बैंक को लोन देने की, फिर भी अगर वो 10-12 सीटें भी जीत गए तो इतनी सीटों के साथ वो किसी भोजपुरी फिल्म के लिए थिएटर में पूरी रो तो बुक कर सकते हैं मगर पीएम पद की कुर्सी पर बैठ नहीं सकते, बशर्ते चूरन वाले नोट की तरह पीएम पद की भी कोई चूरन वाली कुर्सी आती हो। और आप किसके समर्थक हैं, मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। इसके अलावा पीएम पद के बाकी दावेदारों की बात करें तो कुछ लोग अखिलेश यादव जी का नाम भी हवा में उछाल रहे हैं, मगर ये देखते हुए कि सपा के पास सिर्फ 3 सीटें हैं मुझे पूरा शक है कि हवा में जो उछाला जा रहा है वो नाम नहीं है, अखिलेश बाबू की इज्जत है, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पता है कि 3 एमपी से लोकसभा में बहुमत पाना तो दूर, 3 लोगों के साथ तो आप यूपी में किसी ऑटो वाले को चलने को भी नहीं बोल सकते, वो भी यही कहेगा कि 1-2 सवारी आने तो फिर चलेंगे, जो गलत है वो गलत है। इनके अलावा पीएम पद पर दावेदारी तो शरद पवार साहब की भी है, वो भी इल्तुतमिश के जमाने से पीएम पद का ख्वाब पाले हैं, मगर अभी तो उनकी महाराष्ट्र में सरकार भी नहीं है। उनका उद्धव ठाकरे की शिवसेना से गठबंधन था मगर अभी गठबंधन तो दूर, खुद उद्धव जी के पास शिवसेना भी नहीं है। इसी तरह पीएम पद के 75वें दावेदार के तौर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं, 80वें उम्मीदवार के तौर पर डीएमके के प्रमुख स्टालिन साहब हैं, पीएम पद के 90वें दावेदार के तौर पर मेरी बुआ का लड़का सोनू है और 105वें दावेदार के तौर पर मेरी गली में खेलने वाला चिंटू, इसके अलावा मेरा पड़ोसी मंगलू, मंगलू की भैंस पारो और पारो का बॉयफ्रेंड विक्रम सिंघानिया भी पीएम पद के दावेदार हैं। बाकी मुझे भी आपसे कुछ पूछना है, इससे पहले कि वो मैं आपसे पूछूं, आप लोग डेटा एनालिस्ट कोर्स की गारंटीड जॉब के लिए डिस्क्रिप्शन में कोडिंग इन्वेडर्स का लिंक दिया, वहां पर क्लिक करें, रजिस्टर करें, मेरा कोड JOB20 यूज करें, 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा और गारंटीड जॉब बैच में हो सकता है आपको जॉब मिल भी जाए। फर्स्ट 100 लोगों के लिए डिस्काउंट है, इसलिए जल्दी से इसमें अप्लाई करें, देर किस बात की, और जॉब मिले तो भाई को पार्टी पे जरूर बुलाएं। इसी के साथ आज के फनतंत्र में इतना ही, जिसमें हमने आपको उन 13,843 लोगों के बारे में बताया जो आज देश में पीएम पद के दावेदार हैं।
अब मुझे जो आपसे पूछना है वो ये कि अगर आपके भी आसपास व्हाट्सएप ग्रुप में, कोचिंग सेंटर में, आस पड़ोस में, सोसाइटी में कोई पीएम पद का दावेदार हो तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताइएगा। और अगर आप भी खुद को पीएम पद का अगले दावेदार मानते हो तो अपना ही नाम लिख दो। यहाँ पर कौन सा सपने देखने पर जीएसटी लग रहा है ब्रो। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, जो कि आई ही होगी, मैं मान के चल रहा हूं, तो आप और भी चार लोगों तक इसे जरूर पहुंचाएगा। शेयर करिएगा, दबा के हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक देखने पेज को लाइक करिएगा और राम राम बोलिएगा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, जल्दी मिलते हैं यहीं पर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। खांस लो, तुम खांस लो, खांसी लो, बढ़िया।